अब रेजिस्टिविटी कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे काम है, इट इज आर इंटू ए अपॉन एल, जहां पर आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अगर मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखता हूं, क्योंकि वायर जो भी होते हैं वो सिलेंड्रिकल वायर होते हैं, उनके क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया को मैं अगर पाई आर स्क्वायर लिखता हूं तो पाई का वैल्यू वी ऑल नो दैट 3.14 और 22/7। आर इज रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो आगे हम ये पॉइंट को समझते पहले एक न्यूमेरिकल दिया हमको कि एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो गिवन डेटा में लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का वैल्यू गणित दिया है, वो दिया 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हैज रेजिस्टेंस ऑफ और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻²। कभी अगर वर्डिंग से ना समझ में आए कि कौन सा वैल्यू दिया है तो आप लोग जो नंबर के पीछे यूनिट होता है वो यूनिट को देख लो, वो यूनिट से भी समझ में आ जाएगा कि किसका वैल्यू दिया है। तो ओम्स है तो ओम किसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इज अगेन गिवन टू अस, दैट इज 2 × 10⁻²। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। रेजिस्टिविटी फाइंड करने वाला था, टू फाइंड में क्या आ गया, रो फाइंड बराबर। तो ये सिंपल सा सम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का, अगर ये वैल्यू में यूज करो फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.7 × 10⁻⁶, और लेंथ कितना है 2। ये लेंथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 1.7 × 10⁻², 10⁻⁶ कितना हो गया 10⁻⁸। और कौन है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या, ओम मीटर। तो दिस विल बी द आंसर 1.7 × 10⁻⁷ ओम मीटर इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। अब एक सम और है कि एक कॉपर वायर है, इसका जो डायमीटर है, सी नाउ योर डायमीटर इज गिवन टू अस, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.5 mm बराबर है। डायमीटर से हमको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5/2 mm बराबर है। इसका मतलब कितना हो गया 0.25 mm बराबर, वो mm में है, हमको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा 0.25 × 10⁻³ मीटर, ये है उसके रेडियस का वैल्यू बराबर है। अब हम ये फॉर्मूला से भी वो सब सॉल्व कर सकते हैं, खाली वो क्या चाहिएगा, एरिया का वैल्यू चाहिएगा। तो अगर मैं एरिया का वैल्यू अलग से फाइंड कर लू यहीं पर, इन दिस पार्ट ओनली इफ आई फाइंड एरिया वैल्यू सेपरेटली, तो डायरेक्टली फिर ये फॉर्मूला सब्सिट्यूट करूंगा और आंसर लाऊंगा, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं एरिया का वैल्यू फाइंड करता हूं, तो एरिया क्या होता है, वी ऑल नो दैट पाई आर स्क्वायर बराबर। पाई की वैल्यू को हम लोग ऐसे अपने हिसाब से 22/7 ले लिया, और आर कितना है 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर, ये सब। अब ये चीज को अगर आप सॉल्व करोगे या 3.14 लेके, तो इसका जो वैल्यू है, ये पावर तो ऐसे दिख रहा है इसका, ये 22/7 × 0.25 × 0.25 × 10⁻⁶ ये स्क्वायरिंग का ये वाला पार्ट है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अराउंड 0.1964 इसका वैल्यू × 10⁻⁶। तो ये इसका वैल्यू मिला हमको, एरिया का वैल्यू मिला 0.1964 × 10⁻⁶। तो ये पहला पार्ट होगा सॉल्यूशन का। दूसरा पार्ट जो है हमको क्या फाइंड करना है, तो इतना डायमीटर दिया था उसका, रेजिस्टिविटी उसका दिया है, रेजिस्टिविटी एंड रो दिया है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। What will be the length? हमको length find करना है of the wire to make the resistance 10 ohms. और resistance कितना है 10 ohms. तो formula क्या अपना? Rho equals to R into A upon L. L find करना था, L क्या जाएगा R into A upon Rho. R कितना है 10 ohms है. Area कितना है 0.1964 × 10⁻⁶ upon. और Rho का value कितना है? Resistivity कितना है? 1.6 × 10⁻⁸. ओके सो
इसको हम लोग 1.964 लिख सकते हैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और नीचे 1.6 लिख सकते हैं। अब मैंने अगर 10^-8 को ऊपर लेके गया तो ऊपर 10^-6 है, 10^-8 ऊपर गया तो 10^-8 हो जाएगा, 10^-6 इंटू 10^+8 ये हो जाएगा 10^-2, तो ऊपर आके गया 10^-2। ये 16 1.1.6 है, ये 1.9 है, इसको मैं 1964 और ये 16 × 10^2 कहता हूं। यहां से भी पॉइंट शिफ्ट कर दिया, यहां से भी पॉइंट शिफ्ट कर दिया, बराबर थे 16 बना दिया, इसको 19 बना दिया। अब ये दो है, वैल्यू 20 को दे देते तो 1964/16 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 122.7 मीटर, तो ये हमारा लेंथ होगा। बराबर, ऐसे सम्स आते हैं जिसमें आपको काफी डिफिकल्ट होता है जब ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, तो सो वी विल बी डूइंग मोर सम्स। इसको सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट डिफिकल्ट है, बाकी तो सम में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर लेट करना है, तो कैलकुलेशन का पार्ट अगर आपका रेडी है तो ये सम्स आपको तकलीफ नहीं देंगे। बराबर, सो दिस वाज सम ऑन रेजिस्टिविटी।